वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ और काफ़ी मेरे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी जो है कमेंट सेक्शन में। तो आज मैं आपको दो स्पार्क प्लग के बारे में बताने वाला हूँ। एक आपका कन्वेंशनल रहने वाला है जो कि आपकी गाड़ी के अंदर फिट होके आता है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न कार्स के अंदर भी आईरेडियम के स्पार्क प्लग आने लगे हों या परफॉर्मेंस कार वगैरह में आते हों, बट दो स्पार्क प्लगों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों के रेट में जो है जमीन आसमान का फर्क है। एक लगभग 80-90 रुपए से लेके मैक्सिमम 200 रुपए तक का पर पीस आ जाता है जो कि आपकी कार में कंपनी से OEM मैन्युफैक्चरर लगा के देता है, जबकि जो आईरेडियम वाला स्पार्क प्लग है वो परफॉर्मेंस कार में ही मे बी आ सकता है और उसकी लगभग एक पीस की कीमत लगभग 800 रुपए के आसपास रहने वाली है। तो अगर आपकी गाड़ी चार सिलेंडर है तो आपकी जो है कॉस्ट पड़ने वाली है लगभग 3,200 रुपए। अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी वो आपको इंस्टॉल कराते वक्त। जबकि दूसरा जो स्पार्क प्लग है वो लगभग 80-200 रुपए के बीच में आ जाएगा और अगर आप चार स्पार्क प्लग चेंज कराते हैं तो वही नॉर्मल नॉमिनल सा 800 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। स्पार्क प्लग में जो है रेट्स में 10 times का लगभग फर्क है, तो दोनों की जो है सर्विस लाइफ में भी फर्क है। जो आपके कन्वेंशनल वाले स्पार्क प्लग है जो आपकी गाड़ी के साथ लग के आते हैं, जो कि परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग नहीं है लेकिन काम उनका भी वही है, लेकिन उनकी सर्विस लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और उनका जो चेंजिंग इंटरवेल है वो फ्रीक्वेंट है। लेकिन फिर भी मैं दोनों को बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है आईरेडियम का स्पार्क प्लग और जो कि आपकी जेब पे भी भारी पड़ता है। तो बहुत सारे मेरे अर्बन क्रूजर वाले भाइयों ने जिन्होंने CNG भी लगा रखे मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ब्रेजा वाले भाइयों ने भी पूछा है कि क्या ये स्पार्क प्लग हम यूज करें इससे हमारी माइलेज बढ़ जाएगी। तो ये सारे मिथ ही बस्ट करना ही इस वीडियो का मेन उद्देश्य रहने वाला है। तो भैया बात ऐसी है कि भैया परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइलेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर वन चीज जो है दोनों के अंदर क्या है, करंट फ्लो जो है अपना जो कन्वेंशनल स्पार्क प्लग होता है उसके अंदर भी वही होता है और जो आईरेडियम वाला होता है उसके अंदर भी वही होता है। बस आईरेडियम की जो है टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ ऐसी कार्स जो कि बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है या बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग या अपना ट्रैक्स वगैरह पे चलती हैं उनके अंदर आप आईरेडियम लगा सकते हैं, बाकी नॉर्मल पैसेंजर कार के अंदर जो है आईरेडियम की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो अपना स्पार्क प्लग है जो कि उससे 10 गुना सस्ता है वो भी उतना ही बढ़िया काम करता है। सिर्फ सर्विस लाइफ का फर्क ये है कि जो आपका नॉर्मल स्पार्क प्लग है वो आपका चलेगा लगभग किसी में, मतलब मैं बाइक्स को भी इसके अंदर कंसिडर कर लेता हूँ, 10,000 से 12,000 बाइक्स में, 20,000 से 40,000 कार्स के अंदर, मैक्सिमम मैं 40,000 बोल रहा हूँ, वरना जो ये सुजुकी टोयोटा वगैरह के अंदर तो 20,000 पे चेंज हो कर देती है कंपनी, मतलब 15-16 पे भी अगर कस्टमर बोले कि सर मेरा चेंज कर दो तो वो कर देते हैं। तो ये हो गई बात कन्वेंशनल वालों की, जबकि आईरेडियम में जो है अपना जो स्पार्क प्लग है वो आपको जो है पड़ जाता है 800 रुपए का एक पीस। तो अगर चार सिलेंडर का आप चेंज करवाने जाएंगे तो लगभग आपको 3,200 रुपए का स्पार्क प्लग पड़ेंगे। महंगे के साथ साथ उनकी सर्विस लाइफ भी लगभग एक से सवा लाख किलोमीटर होती है, ये बात सच है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ आता है कि किसको लगवाने और किसको नहीं लगवाने। भाई देखो ऐसा है, जिन लोगों को अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है और उनको वो ही आउटपुट चाहिए अपनी गाड़ी से जो उनकी गाड़ी शोरूम से आई थी, तो भैया ऐसा है कि हर 20,000 किलोमीटर के आसपास 800 रुपए खर्चा करके आप अपने स्पार्क प्लग जो है रिप्लेस करवा लीजिए। नॉर्मल वाले ही आईरेडियम पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चार बार भी स्पार्क प्लग चेंज करेंगे ना जब जाके आईरेडियम की एक बार की कॉस्ट आएगी, लेकिन आईरेडियम जो है जब भी इतना वर्थ इट नहीं रहेगा। अगर आपने मतलब 2 साल में उसको, मतलब अगर आपकी गाड़ी सपोज करो कि 2 साल में जो है 2 लाख किलोमीटर चलती है तो हर लाख रुपए पे करें तो भी आपके 6,400 रुपए होते हैं, लेकिन अगर आप अपना 800 रुपए के हिसाब से 10 बार भी अपना 5 बार भी चेंज कर लेते हैं तो भी आपकी जो है जो कॉस्ट है वो 4,000 से ऊपर नहीं आएगी। तो दोनों में जो है रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है, परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी जो है फर्क नहीं है। अगर आप अपने टाइम टू टाइम जो है इसको अपने स्पार्क प्लग को रिप्लेस करवाते हैं तो इट्स वेरी नाइस फॉर योर कार हेल्थ, एंड आपको माइलेज भी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती रहेगी। साथ में परफॉर्मेंस के अंदर जो पिकअप के अंदर कई बार कई भाई शिकायत करते हैं कि हमारा पिकअप लो है,
तो आप सबसे पहले अपना करंट का जो मतलब कॉइल्स वगैरह में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती, कॉइल्स में दिक्कत जब बननी शुरू होती है जब आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो उनको देखें, उनको टाइम टू टाइम रिप्लेस करवाएं, आपकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलती रहेगी। हाँ, जिन भाइयों के पास पैसे का ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भैया 3032 से इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो आईरेडियम की तरफ बिल्कुल आंख बंद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उतना ही अच्छा है। मैं आपको ऐसे सजेशंस और ऐसे वीडियो इसलिए लाता हूं क्योंकि मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं, और कई कई भाई जो हैं भटकाव दे देते हैं कि अरे आईरेडियम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है कन्वेंशनल प्लग्स पे जाएं, बट हाँ, उनकी मेंटेनेंस जो भी उनकी क्लीनिंग होती है 4-5 हजार रुपए, या वैसे तो 15 या 18 हजार रुपए 20 हजार रुपए से रिप्लेस ही करवा लें, वो करते रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अब ऐसी ही किसी वीडियो में आपको मैं फिर से दोबारा मिलूंगा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर। टिल देन आप अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सभी भाइयों को राम राम।